नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान है। और एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान आप सबका क्या है, फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस और आहार एवं पोषण विज्ञान में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और जितने प्रश्न मैं इसमें कराने वाली हूँ, हल करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यदि आप सब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे आप सब प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने इस पर लिखा है कि कोलेस्ट्रॉम एंजाइमा है और एंजाइना पेक्टोरिस आहार आयोजन के सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, इन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप सबको पता होगा कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जिन्हें पता है जल्दी कमेंट करें, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जल्दी कमेंट करें कोलेस्ट्रॉम क्या होता है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अपने फ्रेंड में शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। और यारों, वीडियो एक पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें और अपना आंसर भी हमें दिया करें, क्योंकि आपके आंसर का इंतज़ार रहता है। जैसा कि मैंने पूछा कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, तो आप सबको पता है कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो माँ के स्तन से सबसे सर्वप्रथम दूध निकलता है वही हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज प्रश्न है एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो बताइए सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। तो बच्चों, ये जो होता है एंजाइना पेक्टोरिस, ये जब एथरोस्क्लेरोसिस जो होता है, एथरोस्क्लेरोसिस हृदय की जो हृदय है उसको रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में हो जाती है। क्या होता है एंजाइना, जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो एथरोस्क्लेरोसिस में होता है, जो हृदय से रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में होता है। तो हृदय की दीवारों को रक्त कम पहुंचता है, जब ये एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है तो हृदय की जो दीवारें होती हैं उसमें रक्त कम पहुंचता है, जिससे क्या होता है हृदय की संकुचन एवं विमोचन करने में परेशानी होने लगती है। और इसी परेशानी का अनुभव व्यक्ति छाती में दर्द होने से करता है, इसे एंजाइनल पेन कहते हैं, एंजाइनल पेन कहते हैं। याद रखना है एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एंजाइनल पेन होता है जो हृदय में होती है या छाती पर हल्के हल्के दर्द होती, यही हमारा एंजाइना पेन है, अर्थात एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों, आहार विनिमय सूची क्या है। आगे हम लोग कोलेस्ट्रॉम के बारे में और आहार के सिद्धांत के बारे में ये सब जानेंगे। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखा करें जिससे आप सबको समझ में आए। तो बच्चों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। क्या है बच्चों आहार विनिमय सूची क्या है। जी हाँ, आहारीय पोषक मूल्यों की गणना के लिए खाद्य पदार्थों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग या समूह में लगभग एक समान पोषक मूल्य वाले भोज्य पदार्थ सूचीबद्ध किए गए हैं। क्या होते हैं, जो अब आहार विनिमय होता है उसमें एक समान जो पोषक तत्व होते हैं मूल्य वाले, उन्हें भोज्य पदार्थों को एक सूची में बद्ध किया जाता है, यही आहार विनिमय सूची कहलाता है। इसी सूची से यह लाभ है कि आहार तालिका बनाते समय किसी भी समूह से कोई एक भोज्य पदार्थ या उसका विकल्प लिया जा सकता है, अलग से उस विकल्पित भोज्य पदार्थ के पोषण मूल्य की गणना करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह पहले से ही सूची में उपलब्ध रहता है। उपचारात्मक आहार के कितने प्रकार हैं बच्चों, याद रखना, कम प्रोटीन युक्त आहार होता है और अधिक कैलोरी युक्त आहार होता है, सॉरी बच्चों, कम कैलोरी युक्त आहार होता है और अधिक कैलोरी युक्त आहार होता है। नेक्स्ट है कम प्रोटीन युक्त आहार और अधिक प्रोटीन युक्त आहार। नंबर थ्री है कम रेशे युक्त आहार और अधिक रेशे युक्त आहार। निम्न वसा युक्त आहार, कम सोडियम युक्त आहार, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें डिटेल में मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि कम कैलोरी युक्त आहार कौन होते हैं और अधिक कैलोरी युक्त आहार कौन होते हैं और कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है और अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ये कौन कौन से आहार होते हैं। तो बच्चों, देखते हैं क्या है आज हमारा। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आप सबको कि कोलेस्ट्रॉम क्या है, समझाइए। तो जी हाँ बच्चों, जो कोलेस्ट्रॉम होता है
वो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जब शिशु के जन्म के बाद 2 से 3 दिन माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है, मैंने सबसे पहले बताया गाढ़ा पीला पदार्थ जो माँ के स्तन से सर्वप्रथम दूध निकलता है वही हमारा कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, जिसे फेनुस या कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। यदि प्रश्न बनता है कोलेस्ट्रॉम को और क्या कहा जाता है, इसका नेक्स्ट नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो फेनुस होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉम होता है बच्चों, नवजात शिशु में रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, जो नवजात शिशु होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, यही हमारा कोलेस्ट्रॉम जो माँ के स्तन से सर्वप्रथम दूध निकलता है, तथा शरीर के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। इसके उपरांत जो शरीर का पाचक एंजाइम होता है उसे भी उत्तेजित करता है, और इसे पीले गाढ़े स्त्राव में दूध की अपेक्षा प्रोटीन तथा विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। इस दूध में बहुत ही विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है बच्चों, जबकि अन्य तत्व वसा बी समूह के विटामिन की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है। आप सबको पता होगा जो बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, उन्हें विटामिन की खुराक भी दी जाती है, पोलियो बूंद के साथ विटामिन की खुराक भी दी जाती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं या एनम के द्वारा जैसे पोलियो बूंद पिलाया जाता है, वैसे ही विटामिन की खुराक भी दी जाती है। और जबकि अन्य तत्व वसा बी समूह विटामिनों की मात्रा दूध की अपेक्षा कम होती है, 10 दिन के अंदर यह गाढ़ा पीला स्त्राव धीरे धीरे पूर्णतः दूध में बदल जाता है, 10 दिन के अंदर ऐसा चेंजिंग आता है, ओके याद रखना। अब कोलेस्ट्रॉम का संगठन देख लीजिए, पोषक तत्व तो जैसे कैलोरी है, कैलोरी कितनी होती है 58 ग्राम, और वसा है तो 2.9 ग्राम होगा, और कैल्शियम है तो 31 होगा मिलीग्राम, और फास्फोरस है तो कितना होगा 14 mg, और आयरन है तो वो होगा 0.09 mg, और प्रोटीन है तो जीएम अर्थात ग्राम 2.7, और लैक्टोज है ग्राम में तो 5.3, और कैरोटीन जो होता है आयु होता है, आयु आईबी में होता है 186, और विटामिन ए होता है आईबी में 296, ओके। अब हम लोग देखते हैं आहार आयोजन के सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, आहार आयोजन के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बजट के अनुसार होता है एक व्यय करना, आहार आयोजन करते समय बजट का ध्यान रखना चाहिए, तथा सस्ते फल एवं सब्जियों को आहार में समायोजित करना चाहिए, और नंबर 2 है व्यक्तिगत रुचि आदतों एवं प्रतिबंधों को ध्यान में रखना। आहार आयोजन करते समय बच्चों व्यक्तिगत रुचि भी ध्यान में रखा जाता है और उनकी आदतों और प्रतिबंधों पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, तो ये ही आपकी व्यक्तिगत आदत होती है, जिनको जो भोजन में पसंद आते हैं तो उनकी आदतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसी अनुसार क्या करें आहार का आयोजन करें। नेक्स्ट बच्चों, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना। हर एक गृहिणी को चाहिए कि जो उसके घर में गृह में उपलब्ध साधन है उन्हीं के अनुसार क्या करें सदुपयोग करना चाहिए। जैसे उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, यदि खुली जमीन है तो किचन गार्डन लगाएं, प्रेशर कुकर और किचन गार्डन, जैसे आपके यहाँ खुली जमीन है तो वहाँ पर कुछ सब्जियों को भिगवा सकते हैं, प्रेशर कुकर हो तो उसमें खाना पकाएं, मिक्सी हो तो उसमें मसाला तैयार करें, और नंबर 4 है बच्चों पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना। आहार आयोजन करते समय पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, सभी की एक साथ योजना बनानी चाहिए कि आज हम ये करेंगे, दोपहर में ये रहेगा और शाम को ये रहेगा भोजन में और नाश्ते में। नेक्स्ट बच्चों, आहार में तृप्तिदायक भोज्य पदार्थों का समावेश। जी हाँ, आहार यदि बना रहे हैं, आहार का आयोजन कर रही हैं, तो आहार का आयोजन करते समय आहार की तृप्तिदायक भोज्य पदार्थों का भी समावेश करना चाहिए, जिससे व्यक्ति ग्रहण करके तृप्त भी हो सके। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।